इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में सबकी नींद उड़ाने आ रहा है टाटा। दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपको पेट्रोल के बढ़ते दामों से मुक्ति मिलने जा रही है। टाटा नैनो की इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी 10 सेकंड से कम समय में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचाने वाली है। ये कार टाटा नैनो का ही नया रूप होगा। जी हाँ, ये लकटकिया कार का इलेक्ट्रिक वर्जन 200 है और टाटा नैनो की वो तरह ये भी मिडिल क्लास के बजट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर आप इस कार को लेकर और इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये गाड़ी ऑटो इंडस्ट्री में आग लगा देने वाली है। इसका जो रेंज है वो इकोनॉमिक क्लास के लोगों के लिए ज़बरदस्त है और इसकी यूटिलिटीज बेहद ज़्यादा है। नैनो कार जिसे रतन टाटा ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाया था। रतन टाटा ने टाटा नैनो का उद्घाटन 10 जनवरी 2008 को नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में किया था, लेकिन मार्केट में उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली और 2018 में टाटा मोटर्स ने इसका उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कहीं ना कहीं उनके मन में इसके फेल होने का काफ़ी अफसोस था। फिर से रिलॉन्च करना चाहते थे और आखिरकार आज इतने सालों के बाद उन्हें ये मौका मिल गया। पेट्रोल और डीजल के बाद कीमतों ने लोगों को बेहाल कर रखा है। गाड़ी खरीदना जितना महंगा नहीं है उतना पेट्रोल भरना महंगा गिर रहे हैं और इसलिए आज लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी बजट सेगमेंट में नहीं आती, लेकिन हर बार की तरह इस बार मिडिल क्लास की समस्या पर सबसे पहले रतन टाटा का नाम आया है और इन्होंने मिडिल क्लास के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाने का ठान लिया है और इसी कड़ी में पहला कदम है टाटा नैनो की इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पावर ट्रेन बनाने वाले कंपनी इलेक्ट्रिक टीवी ने टाटा नैनो कस्टमाइज कर इलेक्ट्रिक कार का नया रूप दे दिया है। ये कार को डिजाइन किया है टाटा की ईवी कंपनी ने और ये कार रतन टाटा को बहुत पसंद आई है। उन्होंने अपने सहयोगी शांतनु के साथ इसकी सवारी भी की है। आपकी जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक ईवी के को फाउंडर भी रतन टाटा है। वैसे तो अभी भी भारतीय बाजार इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स का दबदबा है। टाटा की इलेक्ट्रिक एसयूवी नेक्सन ईवी लगातार टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है। भारत कंपनी इस सेगमेंट में अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए आने वाले समय में कुछ नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाली है। चलिए अब सिर्फ टाटा नैनो की बीच बारे में कुछ खास बात करते हैं। तो ये टाटा ईवी कार 4 सीटों वाली है। चार्ज होने के बाद 160 किलोमीटर तक जा सकती है। यह कार भले ही इलेक्ट्रिक है पर ये रफ्तार से बातें कर सकती है। ऐसे कार में वोल्ट लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इस कार का वजन 800 किलोग्राम के आसपास होगा। टाटा मोटर्स का कहना है कि कार प्रीमियम कार वाली फील देती है। ये कार पेट्रोल से नहीं चलती, इसको भी नॉइस पोल्यूशन नहीं होता और क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो ये पोल्यूशन भी नहीं होगा। इसके अंदर 7.0 इंच की टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी मौजूद है, वो भी नेविगेशन सिस्टम के साथ। इस पैनल ऑडियो वीडियो इंटरफेस के माध्यम से सूचना और मनोरंजन देने के लिए डिजाइन किया गया है और साथ ही इसे स्मार्टफोन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि ड्राइवर बिना फ़ोन उठाए कॉल अटेंड कर सके। और तो और ड्राइवर सिस्टम से अपने मेल और मैसेजेस भी चेक कर सकता है। अभी इस गाड़ी के और कई फीचर्स आने बाकी हैं। आप ये गाड़ी आसानी से चार्ज कर सकोगे। इस गाड़ी में आपको मिलेगा LED BR LED हेडलाइट्स की जो डिज़ाइन है वो आपको डे लाइट रनिंग लाइट्स में भी काफ़ी काम आएगी और इसे और भी अट्रैक्टिव लुक देती है। साथ ही इस गाड़ी में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं जो सफ़र को सुहाना बना देता है, जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी करता है। इसके फ्रंट सीट पर 2 एयरबैग लगे हुए हैं, अचानक दुर्घटना होने पर आपको कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा आसान पार्किंग के लिए रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी लगे हुए हैं, तो पूरी तरीके से डिजिटल जनरेशन से बनाया गया है। टाटा की नैनो एक शानदार कार है। ये सब जानने के बाद आपका पक्का मन करेगा कि आज ही ये कार खरीद ले और घर ले आए। दावा किया जा रहा है कि टाटा नैनो भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनने जा रही है। यह 2 से 2.5 लाख रुपए की कीमत में भारतीय बाजारों में उपलब्ध होगी।
टाटा मोटर्स के एक सीनियर सूत्र ने बताया कि नैनो एलडी कार की अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपये हो सकती है। कुल मिलाकर ये कार आपके बजट को गड़बड़ा नहीं कर सकती है और एक बार इसे खरीदने बाद आपको पेट्रोल के भारी खर्च से छुटकारा मिल ही जाएगा। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें टाटा इलेक्ट्रिक कार की। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग बातें अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो इस चैनल पर तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।